अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करें बिहेवियर को शेप करने की, तो डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन उन डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर मेरे जो है मुताबिक चेकलिस्ट मेथड बहुत ज़बरदस्त है बिहेवियर को शेप करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और जो है कोई गोल को अचीव करने के लिए। चेकलिस्ट मेथड बहुत ज़्यादा मेरे मुताबिक इफेक्टिव है, जिसको जो है हम पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे जो है बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो बिहेवियरल चेकलिस्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, और जो है अगर वो जो है पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी बिहेवियर जिसको आप शेप आउट करना चाह रहे हैं उसको जो है आप आइडेंटिफाई करें, उसके लिए डिफरेंट जो है सब गोल्स ऑर्गेनाइज करें अचीव करने के लिए, जो भी आपने गोल जो है बनाया हुआ है, और उसको जो है आप चेक लिस्ट के बिहा पे जो है अचीव करना शुरू कर दें। यस और नो में भी कर सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई मैंने जो है 10% की है, 20% की है, या समथिंग जो भी आप रेटिंग देना चाहते हैं, या जो है आप बकायदा रेटिंग स्केल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, 1 to 5, 1 to 10, इट्स अप टू यू। तो जो है ये सारी चीज़ें, ये जो रेटिंग स्केल्स हैं, ये बिहेवियर चेकलिस्ट जो है, ये बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी शख्स की ओपिनियन लेने के लिए जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है बेसिक चीज़ों को जो है रिक्वायर होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं। बेसिकली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस चीज़ को जो है चेक करना चाह रहे हैं, किस बिहेवियर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें न्यू लेकर आना चाह रहे हैं और कैसे जो है अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसी पेशेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं या बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो लाजमी जो है चेकलिस्ट जो है वो बनाएं। कोई भी किसी भी शेप में जो है वो बना सकते हैं, वो जो है डिपेंड करता है जो है कुछ बेसिक डिज़ायर के ऊपर, नीड्स के ऊपर, पेशेंट की और जो है फैमिली की, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की कोलैबोरेटली जो है मिलके कुछ गोल्स एजेंडे सेट किए जाते हैं और उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो जो लोग ये काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो है उनके गोल्स को अचीव किया जा सकता है, उनके बिहेवियर को शेप किया जा सकता है, और उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स को जो है स्मूथ किया जाता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो बड़ा मज़ा आता है ये जो बिहेवियरल चेकलिस्ट बनाने के लिए और जो है पेशेंट के साथ जो है चेकलिस्ट की बेस के ऊपर जो है काम करने के लिए, क्योंकि हमें जो है वो रेटिंग मिलती रहती है कि आज करंट जो है सिचुएशन वो ये है, ये चीज़ें जो है उसके बिहेवियर में शेप आउट हो गई हैं, ये रहती हैं। तो एक तो हमारे पास रिकॉर्ड जमा होता रहता है, दूसरे नंबर पर ये कि पेशेंट जो है उसको जो है कंफर्मेशन होती रहती है कि मेरे अंदर इतनी चीज़ें जो है बेहतर हो रही हैं और मैं जो हूँ अपने गोल से इतने परसेंट या इतनी जो है दूरी के ऊपर मौजूद हूँ, और मैं जो हूँ इतने टाइम में ये गोल जो है अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, इसको इम्प्लीमेंट करना लाजमी चाहिए। अगर कोई बिहेवियर थेरेपिस्ट है बच्चों के ऊपर स्पेशली, जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको जो है लाइफ के कुछ गोल्स को सेट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जो है मॉडिफाई करने के लिए और उनके ऊपर काम करने के लिए जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या ऐसे जो है हम डेली रूटीन में जो है किसी ना किसी तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।